उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों में काफी गंभीरता से पेश आती है। महिलाओं से जुड़ा कोई भी मामला हो, योगी सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है। चाहे वह मामला हाल ही में हुए नोएडा में भाजपा नेता से संबंधित हो, उसमें भी तत्काल कार्रवाई हुई थी और भाजपा नेता के संपत्ति पर बुलडोजर भी चला था। परंतु आए दिन कहीं न कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता और बदसलूकी का वीडियो और घटनाएं सामने आती हैं। आज हम सीधा रुख करेंगे लखनऊ की तरफ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां 24 घंटे सरकार और प्रशासन के पहरेदार शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देते हैं। परंतु ऐसे में एक मामला सामने आया है जो सीधा महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा है। महिलाओं के साथ असभ्य, अशोभनीय और अमर्यादित भाषा प्रयोग करने का यह एक बड़ा मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ पूर्वी क्षेत्र की, जहां बीवीडी थाना क्षेत्र से एक गंभीर खबर सामने आई है। यह पूरी खबर है एक सोसाइटी से संबंधित, जो हम आपको बता रहे हैं, बताएंगे पूरा मामला। इसके पहले आपको कुछ व्हाट्सएप के चैट दिखाना चाहेंगे। एक मेरे घर गुलाबी दुपट्टे से मुंह ढककर नाचने आई थी, नंदी के साथ वापस गई है। जानता हूँ तुम्हें सैंतवार कुर्मी, अभी तुम्हारे नाचने का वीडियो भी मेरे पास है। मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, केवल शराब, घूस, गाली और बलात्कार और अश्लीलता के आरोप डिगा सकते हैं, लेकिन उसकी काट मैंने निकाल ली है। मैं इतनी दूर बस गया हूँ कि बलात्कार का आरोप टेक्निकली गलत हो जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा आए हुए इन मैसेजों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह बदसलूकी और अशोभनीय तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग सभी सदस्यों के समक्ष किया जा रहा है और महिलाओं के आत्मसम्मान को ललकारा जा रहा है। इस पूरी घटना की बात करें तो यह मामला है लखनऊ पूर्वी में बीबीडी थाना क्षेत्र में आने वाली एक सोसाइटी, पार्श्वनाथ सोसाइटी का। पूरे मामले में यह बताया गया कि कॉलोनी में रहने वाला राजीव चतुर्वेदी, जो कुछ माह पूर्व तक मकान नंबर D33G में रहता था, परंतु वर्तमान में मन्नत नामक सोसाइटी में जा ठहरा है। कॉलोनी में एक व्यक्ति कुंवर श्रीवास्तव, जो कि मकान नंबर C9GRWA नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है, और उसी में यह राजीव चतुर्वेदी, जिस पर आरोप लगाए गए हैं कि महिलाओं के प्रति असभ्य, अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। तहरीर भी दी गई है और FIR भी इस व्यक्ति के खिलाफ करवाई गई है। आपको बता दें, ग्रुप में लगभग 200 निवासी हैं। इस तरीके से सामाजिक स्तर पर ऐसी भाषा का प्रयोग करना कहां तक जायज है? महिलाओं को लेकर सरकार रोज नए नए कदम उठाती है और उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के प्रति लड़ती हुई दिखाई दे रही है। परंतु ऐसे में जब राजीव चतुर्वेदी नामक यह व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है, तो महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा शक्ति मिशन के अंतर्गत समस्त प्रदेश वासियों में सभ्य एवं शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार लोगों के लिए और खासकर महिलाओं हेतु निर्देशित किया गया है, परंतु चतुर्वेदी इन सब को भूल चुका है और दरकिनार कर महिलाओं को अपमानित कर रहा है। देखना ये होगा कि 15 अगस्त को दी गई इस तहरीर के बाद कार्रवाई कितनी जल्द होगी। महिलाओं से जुड़े सभी संवेदनशील मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश योगी सरकार के द्वारा है। इस मामले का निर्णय क्या होगा, R9 भारत आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाता रहेगा।